Good morning, children. How are you all? I am pretty good. जी, आज हमने क्या करना है? Yes, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है. लेकिन न्यू चैप्टर से पहले कुछ बातें कर लेते हैं. अभी तो हमने एक चैप्टर ख़त्म किया है, उसकी प्रोजेक्ट किया है, सारी एक्सरसाइजेस की हैं. थोड़ा सा तो फ्रेश अप हो जाते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है? कल मैं ये सोच रही थी कि हमारी इस अर्थ पे, इस दुनिया में जो है, एनिमल्स भी मौजूद हैं, जानवर भी मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं. तो हम में और एनिमल्स में फ़र्क क्या है? कैसे डिफरेंट हैं हम इनसे? क्या वजह है कि एनिमल्स जो हैं वो, उनकी भी आईज मौजूद हैं, उनकी भी नोज़ है, उनके भी लेग्स हैं, वो भी खाते हैं और हम भी, हमारी भी आईज हैं, माउथ हैं, एयर्स हैं, बॉडी है, हम खाते हैं. हम कैसे उनसे डिफरेंट हैं? चलिए, प्लांट्स तो डिफरेंट लगते हैं, लेकिन ये हमारे से एनिमल्स कैसे डिफरेंट हो जाते हैं? सोचा आपने? मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा. फिर कुछ बातें मेरी जहन में आईं, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ. तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही सोच रही हूँ या कुछ इसमें आप समझते हैं कि नहीं, मिस इसमें ऐसा होना चाहिए या ये डिफरेंस है, ठीक है? आप भी सोचिएगा. अच्छा जी, मुझे ये समझ में आया कि हम ह्यूमंस कहलाते हैं, वो एनिमल्स कहलाते हैं. एनिमल्स का काम क्या होता है? सिर्फ खाना पीना है ना. जबकि हमारा काम, हम ह्यूमंस का काम क्या होता है? हम भी खाते हैं, हम भी पीते हैं, लेकिन हम लोग क्रिएटिव होते हैं, ठीक है? हम कुछ सोचते हैं, हम दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, हमारे कुछ एम्स होते हैं, है ना. हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं. अब देखें ना, आपने भी सुबह उठ के खाना पीना किया, सब कुछ किया, लेकिन अब आप जो हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ा होकर कुछ बनना है. आपने पायलट बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है. जबकि इस तरह के एम्स जो होते हैं वो एनिमल्स के पास नहीं होते हैं. वो इतने क्रिएटिव नहीं होते, इतने डिवोटेड नहीं होते हैं, है ना. और क्या होता है जी, हम जो हैं अपने केयर करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं जी. वो भी आपने देखा होगा, हम कहीं जा रहे होते हैं, कोई गाड़ी आ रही होती है तो वो भाग के जो है, वो डॉग इधर भाग जाता है, बिल्ली उधर भाग जाती है. लेकिन कभी आपने उनको ये देखा है कि किस, कोई डॉग जो है, कोई कैट जो है, वो किसी डॉग की जो वो केयर कर रहा हो? नहीं ना, नहीं कर रहा होता. लेकिन हम ह्यूमंस जो होते हैं, हम एनिमल्स जो होते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की केयर भी करते हैं जी. आप अपनी केयर भी करते हैं, अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों की केयर भी करते हैं, अपने पेरेंट्स की केयर भी करते हैं, है ना. तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो जाए, उन्हें कोई मसला ना हो जाए, आपकी वजह से परेशानी ना हो जाए. जब वो सो रहे हों तो आप आहिस्ता आहिस्ता काम करें, घर में शोर ना करें, है ना. जब के पेरेंट्स होते हैं वो आपका ख्याल करते हैं, ठीक है ना. आपकी वजह से जो है वो आपके लिए अच्छा सा खाना बनाती हैं मम्मा, और आपको जो है वो मज़े मज़े के खाने बना के देती हैं, आपके लिए शॉपिंग करती हैं, और आपके लिए ये बुक्स लेके आती हैं, आपको पढ़ाती हैं, है ना. ये सारे काम कौन कर रहा होता है? ये ह्यूमंस कर रहे होते हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे होते हैं. जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपनी केयर कर रहे होते हैं, है ना. उनके पास क्या होता है कि उनके पास ज़िंदगी में कोई एम नहीं है. उन्हें सुबह उठना है, खाना पीना है और फिर रात हो जानी है. उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन में, हमें जो है इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमें पता है, हमें, हमारे पास एक टास्क मौजूद होता है कि आज मैं उठी हूँ तो आज मैंने क्या करना है. यानी कि आपको पता है कि आज मैं उठा हूँ, आज मैं उठी हूँ तो मुझे जो है वो सब वीडियोज़ देखनी है, अपना सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं और उनको जो अपनी टीचर को फॉरवर्ड करना है ना. अपनी मम्मा की हेल्प करनी है, अपने फादर का कहना मानना है. ये चीज़ें हमारे कौन नहीं सुनता है? ये चीज़ हमारे एनिमल्स नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है जी. इसके अलावा क्या करते हैं हम जो हैं अपने, हम खाना खा रहे होते हैं. हम ऐसा नहीं करते कि हमें कहीं भी खाना मिला हम ढूंढ उठा रहे हैं और खाना शुरू कर दिया सब कुछ. नहीं, हम क्या करते हैं, हम खाना लेकर आते हैं, उसे प्रॉपर पकाते हैं, उसे सही से प्लेटों में, डिशेज में रख के सलीके से खाते हैं, है ना. हम एनिमल्स की तरह तो नहीं खाते. एनिमल्स को क्या होता है कि वो कहीं भी पड़ा हुआ कोई खाना होता है और कहीं भी किसी प्लांट में, किसी भी जगह पे होता है, वो रॉ फूड ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं. उनके पास ये चीज़ से सलीका नहीं होता, इस तरह की इनके पास प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर इनके पास जो है वो चीज़ मौजूद नहीं होती है कि उन्हें पता हो कि मैंने खाना जो है वो उसको जो है
पकाना है, ये गोश्त जो है मैंने उसको सालन बनाना है, इसका आलू गोश्त बनाना है, ये चीज़ ये एथिक्स उनके पास नहीं होते हैं, ठीक है ना, उन्हें ये चीज़ का मालूम नहीं होता है क्योंकि वो लिटरेट होते हैं, उनके पास सेंसेस नहीं होते, वो जो है बिल्कुल क्या होते हैं जी, वो एनिमल्स होते हैं और हम ह्यूमंस होते हैं। हम में और उनमें यही फ़र्क होता है कि हमारे पास जो है सब चीज़ों के एम्स मौजूद होते हैं, हमारे पास थिंकिंग स्किल्स होती है, हमारे पास क्रिएटिव स्किल्स मौजूद होती हैं और उनके पास ये स्किल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब आप बेसिकली बैठ के ये चीज़ देख सकते हैं कि हम किस तरह से एक एनिमल से मुख्तलिफ हैं, सोच सकते हैं ना। तब आप क्या करिएगा, आप इस बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिएगा, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिएगा कि भाई हमारे पास जो एनिमल मौजूद है, आप किसी भी एनिमल को लें, आप डॉग को ले लें अपने सामने, आप किसी कैट को ले लें अपने सामने, क्योंकि हमें नॉर्मली यही चीज़ें नज़र आती हैं ना, ये एनिमल्स नज़र आ रहे होते हैं, तो आप इनको लें और इनके बारे में ज़रा सोचें, डिस्कस करें कि जी इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, जी ये ख़ास बात है, जी मेरे पास ये है या नहीं है, मैं किस तरह से इनसे सुपीरियर हूँ, मैं किस तरह से इनसे डिफरेंट हूँ, है ना। तो आप कहेंगे यस आई एम प्रीटी मच बेटर देन दीज एनिमल्स, ठीक है ना, आप इनसे बहुत अच्छे हैं, आप में ये खसूसियात हैं जो कि उनमें नहीं है, ये आप जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, है ना, आप में जो है वो कुछ करने की सलाहियत मौजूद है, आप जो है खुद से प्रॉपर तरीके से खा रहे होते हैं। इन सब चीज़ों के साथ हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डिफर कर रहे होते हैं किसी एनिमल्स से। अब आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे और फिर क्या करेंगे, अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, अपने जी फ्रेंड से भी डिस्कस करेंगे कि भाई हम किस तरह से एनिमल्स से डिफरेंट हैं, एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, ह्यूमंस के करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बता सकते हैं ना आप, अब आप डिफर कर सकते हैं उसको इजीली, ठीक है जी। तो फिर आप ये काम कीजिएगा, इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं आपसे एक नई एक्टिविटी के साथ में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।